हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, कल सभी साइंस के छात्रों का हिंदी का एग्जाम है, तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का दो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप इन दोनों वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से संबंधित होगा। तो आप ध्यान से देखें, अच्छा से याद कर जाएं, और दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो यह पार्ट वन वीडियो है, मैं शाम को पार्ट टू वीडियो आपको दूंगा। दोनों वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की लगभग तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास, क्लास ट्वेल्थ हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न है, अर्ध नारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, यानी अर्ध नारीश्वर जो चैप्टर आपकी किताब में पढ़ने वे कौन सी विद्या है। तो वह याद रहे, वह निबंध है। अर्ध नारीश्वर क्या है? एक निबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रवि जोर इंद्र, ऑप्शन ए सही है। रविंद्र का संधि विच्छेद रवि जोर इंद्र होता है, ऑप्शन ए सही है। अब ध्यान से देखते जाए और लिखते जाएंगे। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, यानी वो किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो आपका आंसर होगा वे छायावाद से संबंधित रचनाकार है। आप याद रहे, चार कवि हैं जो छायावादी हैं। सबसे पहला का नाम आता है प्रसाद, ठीक है, दूसरा है पंत, तीसरा निराला और चौथा है वर्मा, ठीक है। चार कवि हैं जो छायावादी हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। इन चारों का नाम याद रखिएगा। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, निराला का मतलब हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा का मतलब महादेवी वर्मा। तो चार ही कवि हैं जो छायावादी हैं। तो पूछता है कि कौन छायावादी है, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे चारों का नाम। अगला है, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी स्त्री मर जाती है उसे विदुर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, विदुर। अगला, चिरीमार कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो चिरीमार जो है यह तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए सही है आपका। अगला, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन है जायसी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास? तो आपका आंसर होगा यह सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अगला, प्रगति और समाज किनकी रचना है? तो ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका आंसर होगा नामवर सिंह है प्रगति और समाज के रचनाकार, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा भगत सिंह है एक लेख और एक पत्र के लेखक, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्न से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है, नायक बताना है, तो लहना सिंह, ठीक है, याद रहे उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक लहना सिंह है, ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। अगला है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह ऑप्शन दिया गया धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह चरित्र प्रधान कहानी है, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है धर्मयुग, समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका या हिंदी प्रदीप? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी सही है।
अगला बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है क्या है? ऑप्शन है ललित निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा संस्मरण। तो आपका आंसर होगा यह ललित निबंध है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। अगला ओ सदनीरा के लेखक कौन है, ओ सदनीरा के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा जगजीत संत माथुर है ओ सदनीरा के लेखक, ऑप्शन डी सही है। अगला ओ सदनीरा किस नदी को नामित बनाकर लिखा गया है, ओ सदनीरा किस नदी को नामित बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी, कमला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गंडक को नामित बनाकर लिखा गया है ओ सदनीरा। अगला अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? तो आपका आंसर होगा 1952 में अर्धनारीश्वर निबंध प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपका आंसर होगा उर्वशी, दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी एक बहुत ही बढ़िया कृति है उनकी, दिनकर की। अगला रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञे या कोई नहीं। तो रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं वे अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञे की कहानी है रोज। अगला है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो आंसर होगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने बहुत ही सुंदर मृत्यु कहा है, भगत सिंह ने। अगला सिपाही के महाशीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, सबसे सशक्त पात्र कौन है? सिपाही के महाशीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो आपका आंसर होगा बिश्नी, ऑप्शन ए सही है, बिश्नी। अगला बिश्नी और मुनि को किसी किसकी प्रतीक्षा है, किसकी होगा किसकी प्रतीक्षा है, बिश्नी और मुनि को किसकी प्रतीक्षा है? तो आपका आंसर होगा मानक के चिट्ठी की प्रतीक्षा है बिश्नी और मुनि को, ऑप्शन ए सही है। अगला नामवर सिंह के गुरु कौन थे, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादक रहे, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? ऑप्शन धर्मयुग, शाड़िका, आलोचना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे आलोचना का संपादक रहे, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला जुठन किनकी आत्मकथा है, जुठन किनकी आत्मकथा है? ऑप्शन है मोहन राकेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मल्लयज या उदय प्रकाश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जुठन, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला जुठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, जुठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? ऑप्शन है कलीराम, काशीराम, सुखदेव सिंह या ब्रह्मदेव। तो जूठन के हेडमास्टर का नाम कलीराम है, ऑप्शन ए सही है आपका। अगला है क्वेश्चन, गाइस यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट भी पढ़ सकें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताए गए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आप परीक्षा में खुद मिला लीजिएगा। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, ऑप्शन है मल्लयज, भगत सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि या मोहन राकेश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मल्लयज हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्लयज हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपका आंसर होगा उदय प्रकाश है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश। अगला तिरिच है यानी आपको बताएं तिरिच क्या है, तो याद रखें तिरिच जो है एक विशाला और भयानक जंतु है, एक विशाला जंतु है तिरिच, ठीक है। अगला तुलसीदास कैसे कवि थे, तुलसीदास कैसे कवि थे? तो याद है तुलसीदास जो थे वे समन्वयवादी कवि थे, ऑप्शन ए सही है, समन्वयवादी कवि, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है कबहुक अब अवसर पाई, यहां अब संबोधन किसके लिए है, कबहुक अब अवसर पाई यहां अब संबोधन किसके लिए है, राम, लक्ष्मण, सीता या रावण?
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सीता के लिए है। यहाँ ऑब का जो संबोधन है वह सीता के लिए, ऑप्शन सी सही है। अगला भक्तमाल किसकी रचना है, भक्तमाल किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा यह नाभादास की रचना है भक्तमाल, ऑप्शन ए सही है। अगला भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण किस काल के कवि हैं, तो याद रहे भूषण जी जो हैं वे रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन डी सही है, भूषण रीति काल के कवि हैं। अगला है सुगनी साहू परिवार किससे संबंधित था, सुगनी साहू परिवार किनसे संबंध था, सुगनी साहू परिवार का किनसे संबंध था, तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद से, सुगनी साहू परिवार का जयशंकर प्रसाद से संबंध है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला रोपर यूरोप के लोग में बात करने का हुनर, यूरोप के लोग में, यूरोप होगा यहाँ यूरोप, ठीक है, यूरोप के लोग में बात करने का हुनर है या किसने कहा, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, तो आपका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट ने कहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ऑप्शन डी सही है। अगला सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा, सच कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने लिखा है, तो यह बात बालकृष्ण भट्ट की लिखी है जो उन्होंने लिखा है बातचीत बात में, ऑप्शन सी सही है। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, इसमें कौन सा कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है, तो यह तिरिच जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नहीं है। अगला है कौन सी रचना बिहार से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सी रचना बिहार से संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर होगा डी शमशेर बहादुर सिंह जो है रचनाकार हैं, कौन सी रचनाकार बिहार संबंधित नहीं है, तो शमशेर बहादुर सिंह बिहार से संबंधित नहीं है, बाकी जो रचनाकार हैं टोटल बिहारी हैं, देख लीजिए जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, ये सब बिहार से संबंधित हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह, बहादुर सिंह है बिहार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अगला करबक में कौन सी बात पाई जाती है, करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा प्रेम की महिमा पाई जाती है करबक में, प्रेम की महिमा। अगला 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, आप तो जानते होंगे काफी पॉपुलर है, तो 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है भाग जाना, ऑप्शन ए सही है। अगला नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नाक का बाल होना अर्थात बहुत प्रिय होना, ऑप्शन बी सही है, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना, ऑप्शन बी सही है आपका। अगला जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देख लीजिए जगत जोर ईस, ऑप्शन बी सही है जगदीश, जगत जोर ईस। अगला रात का विलोम है, रात का विलोम है, तो रात का विलोम होगा दिन, रात का विलोम होगा दिन, ऑप्शन बी सही है। अगला लोक का विशेषण बताइए, लोक का विशेषण बताइए, तो लोक का विशेषण होगा लौकिक है, ऑप्शन सी सही है लौकिक है, लोक का विशेषण लौकिक होता है। पुरुष का विलोम क्या होता है, तो पुरुष का स्त्री होगा, काफी सिंपल है, पुरुष का विलोम स्त्री होता है, ऑप्शन ए सही है। महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद तो होगा महाजोर उत्सव, ऑप्शन बी सही है, महोत्सव महाजोर उत्सव, ऑप्शन बी सही है। अगला संतोष का संधि विच्छेद बताइए, तो संतोष का संधि विच्छेद होगा समजोर तोष, समजोर तोष, ऑप्शन बी सही है संतोष। अगला पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पानी का होता है जल नीर, ये सब क्या होता है पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ऑप्शन सी सही हो गया। अगला बुराई में कौन सा प्रत्यय है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई, बुराई में आई प्रत्यय है, यानी प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है, आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी, तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन ए सही है बहुव्रीहि। अगला दिग्गज की संधि का उदाहरण, दिग्गज जो दिग्गज जो शब्द है यह व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही है। अगला रात दिन कौन सा समास है, रात दिन कौन सा समास है, तो रात दिन जो है यह द्वंद समास है, दुग्ध शब्द है द्वंद समास है, ठीक है। अगला दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिन पर दिखाई देना, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला नया का विलोम क्या होगा, नया का विलोम क्या होगा, तो नया का उल्टा पुरान होगा, ऑप्शन ए सही है, नया का उल्टा पुरान।
अगला ग्राम का विशेषण बताइए, ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है, ग्रामीण ऑप्शन ए सही है। अगला तलीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तलीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका आंसर होगा तत्जोड़लीन, तलीन तत्जोड़लीन ऑप्शन ए सही है आपका। अगला चंद्रमा का पारदर्शी शब्द बताइए, चंद्रमा, तो चंद्रमा का पारदर्शी शब्द शशि होता है, शशि ऑप्शन डी सही है, चंद्रमा का पारदर्शी शब्द शशि होता है। अगला है गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर होगा आरोप लगाना, गले मढ़ना अर्थात आरोप लगाना ऑप्शन डी सही है आपका। अगला है कनक का अर्थ क्या है, कनक का अर्थ क्या है? तो ये भी पॉपुलर है, कनक अर्थ सोना होता है, कनक अर्थ सोना होता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का सभी क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाइए। फिर शाम को मैं एक वीडियो हिंदी का दूंगा, आप दोनों वीडियो का अच्छा देख लीजिए, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।